लेकिन अंगद और मनवीर मैम का हक बनता है सच जानने का। अगर आप जाकर सबको सच नहीं बता सकते तो मैं जाकर सच बताऊंगी। मैं सबसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकती, और भले मेरी और मनवीर मैम की ना बनती हो, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं उनसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकती। मैं जानती हूँ ये सब जानने के बाद उनका दिल टूटेगा, उन्हें बहुत बुरा भी लगेगा, लेकिन फिर भी उन्हें जानना चाहिए, ये जानना हक है उनका। प्लीज साहिबा, प्लीज ऐसा मत करना। अगर अंगद और मनवीर को सच पता चलना ही है तो बेहतर होगा कि उन्हें मुझसे पता चले, मैं खुद उन्हें सारा सच बता दूंगा। लेकिन कब? आपने ये बात इतने सालों तक सबसे छुपा कर रखी है। साहिबा, मैं अभी किसी को कुछ भी बताने की हालत में नहीं हूं, लेकिन लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं उन्हें सारा सच जरूर बताऊंगा। मेरा यकीन करो साहिबा, मैं जल्दी सबको सब कुछ बता दूंगा। प्लीज ट्रस्ट मी। ये सब जानने के बाद मैं आपकी बातों पर भरोसा कैसे करूं? मेरी बातों पर ना सही, लेकिन मेरे नासूम पर तो भरोसा कर सकती हो। साहिबा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि जल्द ही मैं अपना और सिमरन का सच सबके सामने बता दूंगा। शायद मुझे इंदर सर को एक और मौका देना चाहिए। इतनी बड़ी बात अंगद को खुद इन्हीं से पता चले तो ठीक रहेगा। पता नहीं ये जानने के बाद कि सिमरन उसकी बहन है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, और मनवीर मां उनका न जाने क्या हाल होगा। अरे ये क्या है? आप लोग यहाँ पे टेनिस खेलते हो क्या? मैं भी खेलूंगी। नहीं, टेनिस नहीं खेलते, ये डोरियां तो बस ऐसे ही बांधी हुई हैं। ऐसे? अभी तो आपको बहुत नींद आ रही थी, अब सोना नहीं है? साहिबा दीदी, आपको पता है जब मेरी मम्मा मेरे पास थी ना, तो हम भी ऐसे ही बेड पे सोते थे, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। और वहाँ ऑर्फनेज का बेड तो कितना हार्ड था। और पता है, मम्मा मुझे कहानियां भी सुनाती थी। जब से मम्मा गॉड के पास गई हैं, मुझे किसी ने कहानी नहीं सुनाई। साहिबा दीदी, अंगद भैया, आप दोनों के बीच में सो सकती हूँ प्लीज? प्लीज अंगद भैया। हाँ, क्यों नहीं? थैंक यू अंकल भैया, लेकिन आपको ये डोरियां हटानी पड़ेगी ना।